बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स, पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कोर्ट मैरिज के दौरान या कोर्ट मैरिज का विचार हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर वन कि एज को वेरीफाई कर लें। दोस्तों कई बार जब आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचते हैं और बिना एज को वेरीफाई किए ही घर से जब आप निकल जाते हैं, उसके बाद से जैसे तैसे आप शादी कराना चाहते हैं, उस वक्त आपके साथ ठगी हो जाता है, उस वक्त आपको नोटरी पेपर पे शादी करा दिया जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो सही है या गलत है। अंडर एज शादी कोई भी नहीं करा सकता। जो भी ये दावा करते हैं कि अंडर एज आपकी शादी करवाएंगे, वो कुछ ना कुछ गलत करके ही करवाते हैं और उसमें आपको बहुत खतरा होता है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो अंडर एज शादी कभी नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर टू है कि डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कर लें। कई बार जब आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो आपकी पार्टनर यह कह रही होती कि मेरी एज पूरी हो गई है, मैं 18 साल से ज़्यादा की हूँ, लेकिन आपने कभी डॉक्यूमेंट नहीं देखा होता है। और जब आप घर से भाग जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आपकी पार्टनर अंडर एज है। तो आप डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कर लें। डॉक्यूमेंट का हमेशा स्कैन कॉपी अपने पास में रखें ताकि कभी पेरेंट्स को मालूम चल जाए, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अगर छिपा के रखते हैं तो आपके पास एटलीस्ट स्कैन कॉपी हो, जिससे आपका कोर्ट मैरिज आसानी से हो जाए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना पूरी तरह से बात किए, बुकिंग किए आप घर से ना निकलें। कई बार ऐसा होता है कि कपल बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद से किसी अनजान शहर में पहुंचते हैं और वहां जाकर के फिर वीडियो देखते हैं या अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं और रैंडम किसी कोर्ट में पहुंचते हैं, किसी दोस्त के माध्यम से पहुंचते हैं कि उनका कोर्ट मैरिज हो जाए। उस वक्त जो भी व्यक्ति कोर्ट मैरिज कराते हैं वो सही तरीके से कराएंगे इसकी गारंटी होती नहीं है, क्योंकि चूंकि आप पहले से नहीं पहुंचे, रैंडम पहुंचे हैं उनके पास में, वो आपसे कुछ भी झूठ बोल करके कोई भी पेपर आपको दे देंगे, आपको कुछ भी पता नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर बुकिंग करा करके, प्रॉपरली बात करके ही घर से बाहर निकलें, रैंडम किसी के पास भी कोर्ट मैरिज कराने के लिए ना जाए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोर्ट मैरिज के दौरान कहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यह पहले से डिसाइड कर लें। कोर्ट मैरिज के दौरान आमतौर से ऐसा होता है कि कई बार कपल यह सोचते नहीं है कि जब जाएंगे तो कोर्ट मैरिज करने के बाद वो कहाँ रहेंगे, कोर्ट मैरिज के दौरान कहाँ रहेंगे, इसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लें, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज के लिए निकलें। नहीं तो आप जब नए शहर में आएंगे तो हो ना हो कि आपको कुछ कठिनाई उठानी पड़ेगी, लेकिन लीड इंडिया के माध्यम से करेंगे तो यहाँ की टीम आपको सपोर्ट करेगी, कोई समस्या नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है पुलिस सुरक्षा, यानी कि एक कपल जब कभी भी घर से निकलते हैं शादी के लिए तो उनके दिमाग में सुरक्षा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पुलिस कभी भी कपल को ट्रैक करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पुलिस आपको ट्रैक कर सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि आप कोई पोस्ट ना डालें, और फ़ोन नंबर से तब तक आपको ट्रैक नहीं कर सकती पुलिस जब तक कि उन्हें आपका फ़ोन नंबर ना मालूम हो। तो जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज के लिए निकलें तो आप निकलने से दो तीन दिन पहले से ही आप नए फ़ोन नंबर से आप जहां भी बुकिंग आपने कराया वहां पे बात करें और तभी आप घर से बाहर निकलें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगा और पुलिस आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट लीगल सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।